वर्ल्ड कप 2023 के हार से, जहां पूरी भारतीय टीम के साथ साथ 140 करोड़ भारतीय निराश है और पूरी तरह से टूट चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ टी20 मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है, जिसमें भारतीय टीम को 23 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टी20 मैच खेलना है। टी20 टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, क्योंकि टी20 के कप्तान हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए थे, जो अभी अनफिट है। उसके जगह सूर्य कुमार यादव टी20 टीम का कमान संभालेंगे। हम जानेंगे इस वीडियो में क्या है टी20 टीम का स्क्वाड और कौन दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जगह नहीं मिला है इस स्क्वाड में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि भारतीय टीम अभी वर्ल्ड कप हार कर उभर नहीं पाई है और भारतीय टीम का नया स्क्वाड ऐलान हो चुका है मैच के लिए, और उसी ऑस्ट्रेलिया से, जिस ऑस्ट्रेलिया ने हमें इस वर्ल्ड कप का फाइनल हराकर 140 करोड़ भारतीय का दिल तोड़ा था। टी20 स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। सूर्य कुमार यादव कप्तान, ऋतुराज गायकवाड वाइस कैप्टन, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा विकेट कीपर, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान और मुकेश कुमार। दोस्तों, इस टी20 के स्क्वाड में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें जगह नहीं मिला है और उन्हें जगह मिलना चाहिए था। नंबर एक पे संजू सैमसन। संजू सैमसन बहुत ही बेहतरीन टी20 प्लेयर हैं, लेकिन हमेशा अपने किस्मत और टीम मैनेजमेंट के अनदेखा के कारण टीम से बाहर होना पड़ता है, जिसको जगह नहीं मिली है। दूसरे खिलाड़ी हैं युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल भी टी20 के बहुत बेहतरीन स्पिनर हैं, लेकिन युजवेंद्र चहल को भी हमेशा टीम से बाहर रहना पड़ा है। आपको क्या लगता है कि युजवेंद्र चहल और संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी हुई है या उन्हें इस टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी? आप कमेंट करके इस वीडियो में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि संजू सैमसन और युजवेंद्र चहल दो ऐसे खिलाड़ी हैं, हमें लगता है इन दोनों को टीम में जरूर होना चाहिए।